नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट सामने आ रही है एग्जाम 2024 को लेकर। थोड़े समय पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी एग्जाम का टाइम टेबल आपको देखने को मिला, कौन कौन सी क्लासेस का टाइम टेबल था, इसके बारे में ऑलरेडी दो तीन वीडियो आपको डालकर समझा दिए थे। बात करें यहां पर, फिर भी काफी विद्यार्थी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर नॉन के कब होंगे, पीजी के कम हो गए, तो सभी का अलग अलग वीडियो चैनल पर डाला हुआ है। देखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, नहीं देखेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा और परेशान होते रहेंगे, वो आपकी आवश्यकता भी नहीं है ध्यान रखे। इसलिए कह रहा हूं जो वीडियो डाले हुए पिछले 7 दिन में, उनमें से थंबनेल पे लिखा हुआ है कौन सी क्लास का कौन सा टाइम टेबल है, ध्यान रखे, अच्छे से समझाया हुआ। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आज यहां पर 9 नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखे, 9 बड़े नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। आपको कंफ्यूजन था, पिछला जो टाइम टेबल आया उसमें आपको समझाया गया था, उसमें काफी लोगों को यह कहना आ रहा था कि प्रिंट साफ नहीं है, डेट समझ में नहीं आ रहे, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, हमारा कौन सा पेपर कब है, किस तरीके से होने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान रखे टाइम टेबल दोबारा से आया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली आपको बता दिया है ध्यान रखिए कि 21 मार्च से राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी की एग्जाम शुरू हो रही है, बिल्कुल ये डेट्स रहने वाली है। अब यहां पर काफी विद्यार्थी, एक नोटिस है ना फर्स्ट ईयर वाला जो नोटिस, उसको देखकर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वहां पे कुछ अलग लिखा हुआ है, ध्यान रखें उसको भी समझाने वाला हूं। काफी विद्यार्थी मुझे जब से ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया तब से मुझे मैसेज करने लगे हैं कि यहां पे देखो वो वर्ड देखने को मिल रहा है जो कि आप बार बार मना कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होने वाला, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी दोबारा से टाइम टेबल आया है, डेट्स वही है, बदली नहीं है, ध्यान रखें, भविष्य में बदलेंगे तो बता दी जाएंगी, ध्यान रखें किसी कारणवश। लेकिन 21 मार्च से एग्जाम शुरू हो रही है, इसलिए लगातार अपडेट्स आपको चैनल पर देखने को मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये ध्यान रखें। अब जो यहां पर 9 नोटिस आए, ध्यान रखें स्क्रीन पर आपको 9 नोटिस देखने को मिल रहे हैं, ध्यान रखें टाइम टेबल वाले सेक्शन में। यहां पे क्या कर दिया, पहले यूनिवर्सिटी ने कमाइंड नोटिस दिया था टाइम टेबल को लेकर, ध्यान रखें 2 पेज दे दिए, तो उस पे सभी क्लासेस को शामिल कर दिया था। अब आज जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं कौन से क्लासेस के हैं और कैसे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ध्यान रखें। सबसे पहले बता देता हूं, क्लास लिख देता हूं भैया, ध्यान रखें यहां पे मैं लिख देता हूं किस किस के हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, पास कोर्स, एडिशनल होनर्स, ध्यान रखें सभी का है, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स, अब इसमें क्लासेस कौन सी हैं, देखो भैया फर्स्ट ईयर रेगुलर, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर एक्स रेगुलर के तो सेमेस्टर है ही, ध्यान रखें उसका एग्जाम की डेट्स पहले आ चुकी है और एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर वालों के तो एग्जाम जून में होंगे। तो यहां पे अपडेट है कि फर्स्ट ईयर एक्स, और यहां पे एक वर्ड और देखने को मिल रहा है नॉन ड्यू, पूरा पढ़े भैया उसको, केवल नॉन ना पढ़े, केवल वहां पे नॉन ना पढ़े, वहां पे दिया हुआ है नॉन ड्यू, मैं दिखाऊंगा नोटिस, ध्यान रखें। पहले क्लासेज आपको समझा देता हूं, बात करें सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में चाहे आप रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, बात करें थर्ड ईयर रेगुलर हो, नॉन हो, एक्स हो, बात करें एडिशनल वाले वही है, ध्यान रखें उनका भी टाइम टेबल यही होने वाला है। ये क्लासेस है भैया, इसको समझिए, पहले भी यही टाइम टेबल आया था, ध्यान रखें पहले भी यही टाइम टेबल आया था, अभी भी इन क्लासेस का है, लेकिन अब अलग से जो टाइम टेबल, जो वर्ड देखने को मिल रहा है एक नोटिस में, वो ये है फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के, एक नॉन ड्यू यहां पे लिखा आ गया। अब देखो भैया, नॉन ड्यू अलग होता है, फेल अलग होता है, ध्यान रखें ड्यू यानी कि वे विद्यार्थी जिनका कोई फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है, ड्यू उसको बोलते हैं, ध्यान रखें। फेल में तो भैया पूरा फेल होता है, ध्यान रखें, और एक्स स्टूडेंट किसमें होता है, रेगुलर से फेल होता है उसको एक्स बोलते हैं, नॉन से फेल होता है उसको एक्स नहीं बोलते, ध्यान रखें। और नॉन ड्यू कौन हो गया, जिसके पहले का कोई पेपर बैक है, यानी कि अब वह विद्यार्थी सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उसका पहले का कोई बैक चल रहा है, उसने लगाया था फॉर्म, तो उसके लिए यहां पर ड्यू देखने को मिल रहा है, नॉन ड्यू यहां पे लिखा गया, यानी ईयरली वालों की बात हो रही है। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि नॉन लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर नॉन वालों का आ गया क्या, देखो भैया फर्स्ट ईयर नॉन में सेमेस्टर है, अगर आप फर्स्ट ईयर में नॉन से आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म को देखना, ऊपर आपको क्लास देखने को मिलेगी, नॉन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज, ध्यान रखें नॉन कॉलेज वालों की अलग से डेट आएंगी, काफी वीडियो मैंने इसको लेकर बना दिए, ध्यान रखें नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ होंगे, अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं, ध्यान रखें। इस तरीके की डेट्स जो रहने वाली है वो मैंने बता दी है।
आप देखो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है, जो टाइम टेबल आया, बहुत क्लियरली आपको समझा दिया है। एक एक टाइम टेबल आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ किस हिसाब से आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले देखिए भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पहला जो पेज मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या लिखा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024 एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेज ड्यू। नॉन कॉलेज ड्यू की बात हुई है, नॉन कॉलेज की बात नहीं हुई, ड्यू लिखा हुआ है ध्यान रखे, यानी कि पिछला कोई पेपर बैक है ध्यान रखे, और जो नॉन कॉलेज है जो फेल हुए ध्यान रखे, पूरा फेल है उनका तो सेमेस्टर के तहत ही फॉर्म भरा गया था ध्यान रखे, इसलिए ड्यू वाले बिल्कुल परेशान ना हो, ड्यू वाले यहाँ से आएंगे सेकंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर का कोई बैच चल रहा है वो यहाँ पर आ जाएंगे ध्यान रखे, ठीक है। समझ में आया आपको, जिसके ईएफपीएस ईएफपीटी जैसा कुछ देखने को मिल रहा है वहां से फर्स्ट ईयर का कोई बैच चल रहा है ध्यान रखे, उनका है ये, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, जिसका कोई एक पेपर पिछला बैच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेट्स देखो बहुत क्लियरली बताई गई है, 21 मार्च से केमिस्ट्री फर्स्ट का है भैया, बीएससी पार्ट फर्स्ट एक्स वालों का ध्यान रखे, इसमें ऑनर्स भी दिया हुआ है, एडिशनल भी दिया है ध्यान रखे, एडिशनल वालों का भी इसमें दिया हुआ है। अच्छे तरीके से डेट्स के हिसाब से सब्जेक्ट देख लेंगे, स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। अगला टाइम टेबल देखिए भैया, बीएससी पार्ट सेकंड का है, रेगुलर एक्स नॉन, क्या लिखा है मैंने, सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम रेगुलर नॉन एक्स, ठीक है। स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डेट देखिए, जो आपके पास सब्जेक्ट केवल उसी का देखना है, किसी के पास साइकोलॉजी नहीं है साइकोलॉजी को हटाओ साइड में, आपके पास जूलॉजी है जूलॉजी को देखिए भैया, बोटनी है तो बोटनी को देख लिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को देखिए, जो सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है उसको ही देखो, दूसरा मत देखो। बात करें बीएससी पार्ट थर्ड ध्यान रखे, रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब इतना भी आप नहीं समझ रहे हैं, फाइनल में पहुंच गए, सेकंड ईयर में पहुंच गए, टाइम टेबल देखना नहीं आ रहा यार, ये तो गलती है ना, फिर आपको इतना समझा रहा हूं, चार पांच बार वीडियो बना दिए, तो कोशिश करें पूरा वीडियो देखा करें, अच्छे तरीके से समझाया हुआ होता है। बात करें अगला टाइम टेबल देखिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट एक्स स्टूडेंट, यानी कि रेगुलर से जो विद्यार्थी फेल हुआ है एक्स के रूप में फॉर्म भरा है, और नॉन कॉलेज ड्यू लिखा हुआ है ध्यान रखे, इसमें भी ऊपर देख सकते हैं नॉन कॉलेज ड्यू लिखा है, जिसका बैक चल रहा है ध्यान रखे, वो इसमें डेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बीकॉम पार्ट सेकंड रेगुलर नॉन एक्स का हो गया, उसके बाद में बात करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड रेगुलर नॉन एक्स का हो गया ध्यान रखे, डेट्स आपके सामने है, सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, सारे टाइम टेबल्स की डेट दी हुई है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है ध्यान रखे। बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट एक्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉलेज ध्यान रखे, इसमें ऑनर्स भी है, पास कोर्स भी है, एडिशनल भी है ध्यान रखे। अब जो पेपर आपका है केवल उसको देखें, यहाँ पे देखो 50 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है, बीए पार्ट फर्स्ट की बात हो रही है, एक्स स्टूडेंट और नॉन कॉलेज ड्यू वालों की ध्यान रखें, नॉन कॉलेज फेल की बात नहीं हो रही। बीए पार्ट सेकंड की बात करें तो एक साइड रेगुलर लिखा हुआ है, एक साइड नॉन कॉलेज लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल समझाया गया आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, समय ऊपर दिया हुआ है सेकंड ईयर वालों का 3 से 6 बजे का है, डेट्स आपके सामने दी हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बात करें यहाँ पर बीए पार्ट थर्ड रेगुलर नॉन कॉलेज एक्स, पास कोर्स हो ऑनर्स हो एडिशनल सब्जेक्ट हो, सभी का टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है, रेगुलर लिखा हुआ है एक साइड में, नॉन कॉलेज लिखा हुआ है, अपने अपने सब्जेक्ट देखो, डेट्स देखो, टाइम देखो, बाकी एडमिट कार्ड आने ही वाले हैं, जब आएंगे तब कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से टाइम टेबल को लेकर नोटिस आए हैं, मुझे वीडियो बनाना सही लगा क्योंकि आप टाइम टेबल को लेकर अभी तक कंफ्यूज हैं, विद्यार्थी भेज रहे थे मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, व्हाट्सएप पे भी लगातार भेज रहे हैं कि हमारा टाइम टेबल में ज्योग्राफी का कब है, फिजिक्स का कब है, डेट साफ नहीं आ रही, उसका भी मैंने बताया कि वार के हिसाब से देख लेना कैलेंडर लेके भाई, अगर डेट साफ नहीं दिख रही तो, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, फिर भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो ध्यान रखिए, इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। ये टाइम टेबल के जो ऑफिशियल पीडीएफ है ध्यान रखिए टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर भी कोई कंफ्यूजन बन जाता है इंस्टाग्राम आपका अवेलेबल है, 24 घंटे के अंदर आपको सवाल का जवाब देखने को मिलेगा। फिर से कह रहा हूं फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर नॉन पे अभी कोई अपडेट नहीं है, अप्रैल में एग्जाम होंगे, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से यही नोटिफिकेशन है, अप्रैल मई में उनके एग्जाम होने वाले, अप्रैल में हो जाएंगे ध्यान रखें, टाइम टेबल थोड़ा पहले आ सकता है, जब भी आएगा तब अपडेट लेकर उपस्थित होऊंगा। बाकी आप ध्यान रखें, आपने फॉर्म भरा है उसमें देख लेना, ऊपर लिखा हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड नॉन कॉलेज, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जिन्होंने नॉन कॉलेज से भराया ध्यान रखें, अपने फोरम को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको इस टाइम टेबल में देखने को भी नहीं मिलेंगे, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।